और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। मोरबी में पुल हादसे के बाद एहतियाती एक्शन शुरू हो गया है। द्वारिका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले कल अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज को लेकर एक नया आदेश भी जारी किया गया। अटल ब्रिज पर एक साथ अब 3,000 से ज्यादा लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था। यहां कई बार एक साथ 4,000 से 5,000 लोगों की भीड़ जुट जाती है और उसी को देखते हुए यह कदम बताया जा रहा है उठाया गया है। 3,000 लोगों की एंट्री एक साथ इस ब्रिज पर थी, बंद किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें द्वारिका का सुदामा केबल ब्रिज, तो इस हादसे से सबक लेते हुए अब कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जो सबसे बड़ा सवाल था कि एक केबल ब्रिज पर क्षमता क्या होनी चाहिए, अब उसी को जांचा परखा जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी पुल पर एक क्षमता क्या है, उससे ज्यादा कोई भी उस पुल में एक वक्त पर सवार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हादसा मोरबी में हुआ इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग इसमें सवार हो गए, जिसकी वजह से इसकी केबल की जो तार थी वो टूट गई। गोपी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। गोपी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? बड़ा सवाल यहाँ FIR को लेकर दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसमें कंपनी से जुड़े लोगों के नाम नहीं है। बिल्कुल, देखिए कंपनी से जुड़े लोगों के नाम नहीं है, लेकिन 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 9 लोगों में जो दीपक करके एक शख्स है जो ओरेवा कंपनी का मैनेजर है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसके जो मेंटेनेंस कंपनी है, इस मेंटेनेंस कंपनी के भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो टिकट देने वाले थे, जो टिकट मैनेजर थे, उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। तो कुल मिला के 9 लोगों की अब तक इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। जो कंपनी ओरेवा कंपनी है जिसके पास इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, कल पुलिस को भी यही पूछा गया कि ओरेवा कंपनी के खिलाफ या उनके नाम पर क्यों FIR दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस का यह कहना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से इस पूरे मामले में जो अक्यूज है उनके नाम इसमें शामिल किए जाएंगे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने एक चीज बहुत ही सटीक कही और वो चीज थी कि इसके जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं खामी थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। ये अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये पुलिस भी कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल डैमेज था जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, NOC तक नहीं ली गई थी जो पालिका है वहां से? हालांकि पालिका भी इसके लिए इतनी ही जिम्मेदार है क्योंकि 5 दिन से ब्रिज शुरू हो गया था, तो पालिका ने क्यों उनको रोका नहीं, ये भी एक सवाल है।